24 में मैं आपके साथ नौशीन परवीन। पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। किसान यूनियन ने किया हल्ला बोल। पनवाड़ी में नए कृषि कानून के विरोध में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने किया क्रमिक अनशन शुरू। दिल्ली में चल रहे नए कृषि कानून के विरोध एवं पनवाड़ी वीडियो की तानाशाही पूर्ण कार्यशैली के विरोध में किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की चिंगारी अब गांव स्तर पर भी पहुंच रही है। जनपद महोबा के विकासखंड पनवाड़ी प्रांगण में आज बुंदेलखंड किसान यूनियन के जिला प्रभारी सुशील खेबिया के नेतृत्व में किसानों के द्वारा सरकार द्वारा जारी किसान विधेयक के विरोध में क्रमिक अनशन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिलेश रावत के द्वारा बताया गया कि वीडियो रजनी शुक्ला अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता की समस्या को गंभीरता से निस्तारण नहीं करते, जिसका उदाहरण ग्राम पंचायत लोधीपुरा की मुख्य सड़क में जल भराव का है। इस मौके पर यूनियन के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश रावत, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किरण पाठक, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष तिवारी, जगमोहन राजपूत, अरविंद तिवारी, हरिशंकर व्यास, प्रभुदयाल आदि किसान उपस्थित रहे। चबूतरे पे अभी तक भ्रष्ट वीडियो नहीं आया इनसे मिलने, मैं इसकी निंदा करता हूँ। नहीं चलेगी, तत्काल कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक चाय दो समोसा, मोदी तेरा नहीं भरोसा। एक चाय दो समोसा, मोदी तेरा नहीं भरोसा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।